स्कूल के बगीचे में उगने वाली लाल कद्दू, दूधी भोपला, सेवका आदि सब्जियां अब मध्यान्ह भोजन की ओर अधिक पुष्टि बनाएगी। इससे विद्यार्थी न केवल शारीरिक रूप से पोषित होंगे बल्कि बौद्धिक रूप से भी पोषित होंगे, क्योंकि उन्हें कृषि के साथ साथ सब्जियां कहाँ और कैसे उगाई जाती है इसके भी जानकारी मिलेगी। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से चावल, दाल, फली दाने और सब्जियों के साथ साथ दाल और मीठे व्यंजन सहित कुल 15 पौष्टिक खाद्य पदार्थों से युक्त पोषण आहार लागू किया गया है। तदनुसार परसबाग समिति की बाग समिति के अध्यक्ष और विदर्भ मराठवाड़ा और खानतेश समिति के अध्यक्ष प्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहर ने नए पोषण आहार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। 15 मार्च 2023 को मध्यान्ह भोजन मेन्यू को संशोधित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा और खेल मंत्री के निर्देशन में आहार विशेषज्ञों की एक पाककृति समिति का गठन किया गया था। शेफ विष्णु मनोहर की अध्यक्षता वाली समिति ने मध्यान्ह भोजन के लिए 25 पौष्टिक व्यंजनों का सुझाव दिया। इन्हें बचत समूह के माध्यम से बनाया गया था। उनके कैलोरी, फाइबर, आयरन आदि पोषण मूल्यों की जांच की गई और फिर उन्हें मंत्रालय में प्रदर्शित किया गया। विष्णु मनोहर ने बताया कि विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों द्वारा परीक्षण के बाद पौष्टिक आहार के लिए 15 व्यंजनों का चयन किया गया। स्कूली छात्र जो खिचड़ी या दाल चावल खाकर थक चुके हैं, वे अब पुलाव, वेजिटेबल पुलाव, चना पुलाव, सोयाबीन पुलाव, मसूर पुलाव, अंडा पुलाव, मसाला चावल, मूंग दाल खिचड़ी, बिन खिचड़ी, मूंग सेवका दाल और चावल दाले, केले, अंडे और साथ में चावल की खीर, बाजरे की खीर जैसे मीठे व्यंजन भी मिलेंगे। अतिरिक्त चावल की इडली भी तैयार की जानी चाहिए। प्रत्येक स्कूल को इडली पैन आदि उपलब्ध कराए जाने चाहिए। विष्णु मनोहर ने कहा कि पाक कला समिति ने अनुशंसा की है कि साहित्य दिया जाना चाहिए। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन या उक्तीनुसार जर चांगलं पौष्टिक आहार जर विद्यार्थ्यांना मिळाला तर त्यांची बौद्धिक क्षमता जी आहे ती वाढेल आणि विद्यार्थी चांगला अभ्यास करतील। आणि 1995 पासून शालेय पोषण आहार समितीद्वारे विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्याचा हा कार्यक्रम सुरू झाला आणि त्यामागे अजून कारण होते की विद्यार्थ्यांची शाळेत येण्याची जी गळती होती ती सुद्धा थांबेल। आत्तापर्यंत खिचडी हा प्रकार सुरू होता आणि त्याला विद्यार्थी कंटाळले होते आणि शिक्षकही कंटाळले होते। आदरणीय केसरकर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली यामध्ये एक समिती गठित करण्यात आली आणि कर्मधर्म संयोगाने त्यामध्ये मला लीड करावं लागलं। जवळपास 25 पदार्थ आम्ही केले, त्याच्या चाचण्या घेतल्या आणि शेवटी फायनली 15 पदार्थ आता असे वेगळे काढले की ते विद्यार्थ्यांना रोज जवळपास 3 पदार्थ त्यातले मिळतील। त्यात एक गोड असेल, एक पोट भरण्याचं असं एक असेल ना, एक थोडं पौष्टिकतेकडे किंवा स्प्राउट्स वगैरे जो प्रकार आहे तो असेल, तर त्याच्यामुळे काय जेवण इंटरेस्टिंग होईल, त्यानंतर विद्यार्थ्यांना त्यातून एक पौष्टिक अन्न मिळेल आणि एकूण जे काय आहे ते करताना मला खूप छान वाटतं आहे। आणि त्याचबरोबर की पोषण आहार जेव्हा आपण तयार करतो आहे तर त्या पोषण आहार टाकलेल्या भाज्या यासुद्धा शाळेच्या परसबागेमध्ये तयार करावीशी एक सूचनामध्ये आली होती आणि त्या सूचनेनुसार त्याच्यावरसुद्धा एक कार्यक्रम राबवण्यात आला आहे की मोठ्या ज्या शाळा आहेत की ज्यांच्याकडे मोठी ग्राउंड्स आहेत अशा ठिकाणी परसबागेत भाज्या लावून त्या भाज्या रोजच्या जेवणामध्ये विद्यार्थ्यांच्या वापरण्यात येतील। तर कार्य मोठं आहे आणि करायला मजा येते। हे जे काय पदार्थ आहेत ते सगळे पदार्थ व्हिडिओद्वारे त्या त्या बचत गटांना किंवा शाळांना देण्यात येतील आणि येत्या नवीन सत्रापासून एक GR निघाला आहे त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना छान चवदार, चविष्ट आणि वेगळं अन्न मिळेल। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में परसबाग बनाने के लिए 27 फरवरी 2024 को एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के मुंबई पुणे डिवीजन के अध्यक्ष विठल कामत है और विदर्भ मराठवाड़ा खानदेश डिवीजन के अध्यक्ष विष्णु मनोहर है। इस समिति ने स्कूलों का निरीक्षण किया और परसबाग बनाने के लिए समस्याएं और सुझाव स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के सामने रखे गए। इसके मुताबिक जिन स्कूलों में पर्याप्त जगह है वह गार्डन बनाने और अन्य स्कूलों में विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों की मदद से घर पर ही गमलों में सब्जियां उगाने के निर्देश दिए गए हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।